अब बताओ भला कौन लोग हैं वो जिन्हें लेके आए हो साथ? वो शायद था आपको कि वो फैमिली मिली थी कहीं से गली में, लाहौर आ रहे थे, बस ड्रॉप कर दिए घर में उनका यहाँ पे। तुम बता रहे थे कि बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ वो आंटी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल बेटा समझती। और उनकी बेटी वो भी तो साथ आई है ना? कौन? सुनहरा जी। देखने में कैसी है? प्यारी लड़की। शुक्र है मेरे बेटे को कोई तो प्यारी लगी, अल्लाह तेरा शुक्र है। मामा जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं। कैसी? बिल्कुल वैसी जैसी आप सोच रही हैं। ऐसे ही तो नहीं ना मेरा बेटा इतनी दूर से किसी को खामखा लेके आया। एक सेकंड। वो नथिया गली में मिले थे, इंटरेक्शन डेवलप हो गया, मैं भी उसी दिन लाहौर आ रहा था, वो भी उसी दिन लाहौर आ रहे थे, तो मैंने लिफ्ट दे दी इंसानियत के नाते। इसमें ऐसी कौन सी बात है? अच्छा तेरे पास जुनैरा की फोटो है? मैं उसकी फोटो क्यों रखूंगा? अच्छा चलो मैं खुद देख लूंगी, मुझे मिलाने के लिए लेके तो चलेगा ना उनके घर। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आंटी से मिलवा। जुनैरा को मैं खुद ही देख लूंगी। बात कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, आप लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। एक बार बात खत्म हो गई तो बस खत्म हो गई। लेकिन भाई साहब हम सिर्फ इसलिए दोबारा आए हैं क्योंकि हमें आप लोगों से उम्मीद है। कोई जबरदस्ती नहीं है सर। लेकिन जबरदस्ती तो हम लोग कर भी नहीं सकते, लेकिन आप लोग एक बार फिर सोच तो सकते हैं। देखो सलीमा बेगम, तुम्हारे बेटे को बहुत रिश्ते मिल जाने, अब हमारा दिल नहीं मानता। जी लेकिन आज मैं काशान को अपने साथ सिर्फ इसलिए लेकर आया ताकि आप लोगों को बता सकूं कि इसकी कोई गलती नहीं, मुझे गलत फहमी हो गई। फिर भी अगर आप लोगों को हमारी वजह से कोई तकलीफ पहुंची है तो उसके लिए माफ किया। हमने माफ किया, हमारे रब ने माफ, लेकिन आप लोग हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अरे देखिए आप लोग भी बाइज्जत लोग हैं और हम भी बाइज्जत, इसलिए बार बार ये बात करके शर्मिंदा ना करें। चलो तुम जाओ बेटा, मैं आ रही हूँ।